हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके पास आ रहा हूं। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि एयर डिफ्यूज़र एक ले लिया जाए, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं अपने घर पे पड़े वेस्ट सामान से ही एक एयर जो एयर एसेंस वाला डिफ्यूज़र बना लूं। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, उसमें एक हीटर होता है जिसके ऊपर हमारा एक छोटा सा पोर्ट होता है। पोर्ट में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी में हम मैंने ये ख़रीदा है 30 रुपीज़ में, सैंडलवुड का अरोमा ऑयल, इसकी 2-3 बूंद डाल देंगे। जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी वाले प्लग में लगाएंगे तो धीरे धीरे थोड़ा सा पानी गर्म होगा और गर्म होने की वजह से वो पूरे घर में फैल जाएगी और बहुत ही एक अच्छा खुशनुमा वो माहौल बना देगी घर में। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये मॉस्किटो रिपेलेंट मशीन ले ली है, नीचे वाले की कोई जरूरत है नहीं। और एक हम मेरे पास ये पुराना दिया, मोम वाला, आपको मार्केट से इजीली मिलता है और जनरली घरों में यूज़ करते हैं। सिंपली हमें करना क्या है, इस मशीन को ओपन करते हैं, इसके ऊपर जस्ट ये फिट करना है लाइक दिस, और इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी में लगाएंगे और पानी डालेंगे, एसेंस की बूंदें डालेंगे और बड़ा ही मतलब एक शानदार ये इजी एक्सपेरिमेंट होने वाला है। तो चलिए मैं इसको दोस्तों खोल लेता हूँ। इसमें लॉक लगे हैं, ये खुल गया है। देखिए दोस्तों, सिंपल इसमें एक हीटर है, ये एलईडी लाइट है जो कि हमें ये इंडिकेशन देगी कि अभी ऑन हो गया है। तो जस्ट कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले कवर को काटना है, राउंड शेप में कट करेंगे और उसके ऊपर ये हम फिक्स करेंगे कि ये हमारे हीटर के ऊपर ऐसे ज़्यादा टच भी ना हो और थोड़ा सा हल्का ऊपर रहे। अगर बिल्कुल इस पर टच कर देंगे तो ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा और क्रैक होने के चांसेस भी होते हैं, तो इसको हम लाइटली ऊपर रखेंगे इससे। अब चलिए दोस्तों हम कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये एक मार्क मुझे मिल गया है, अब हमें सिंपली कट कर लेना है। चलिए हम कट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें होल कर लिया है और इस कटर की सहायता से धीरे धीरे बड़े आराम से काट दिया है, फिर थोड़ा एमरी पेपर से घस दिया है। अब हम रेडी हैं इस पर बाउल लगाने के लिए। इसके लिए हम थोड़ा सा ग्लू, इस पर हॉट ग्लू लगाएंगे और हमारी ग्लू गन रेडी है। और अब हम इस पर लगाएंगे हमारा बाउल और इंश्योर कर लेंगे कि ये सीधा लगे एकदम, क्योंकि जब ये ऐसे लगेगा तो ये सीधा रहेगा। ये एक्स्ट्रा ग्लू मैं हाथ से पोंछ दे रहा हूँ। अब हम करते हैं इसको बंद, सिंपल, वेरी सिंपल था दोस्तों। मैं इसमें लगा देता हूँ ये स्क्रू, हमारा रेडी है एयर डिफ्यूज़र। इसको मैंने थोड़ा ऊपर रखा है, इसे हमारे हीटर से थोड़ा सा ऊंचा रखा है। इस पर रखेंगे तो ये क्रैक हो सकता है, बिल्कुल अच्छा बना है। और अब हम ट्राई करते हैं, आप भी घर में बनाइए, वेस्ट पड़ी चीज़ों से बनाइए और इसको बाज़ार से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा। अब हम इसको ट्राई करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने अपने बेडरूम में लगा दिया है और बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी धीरे धीरे फैलती जा रही है। और आप इसको बनाइए, इंजॉय कीजिए।